सहारनपुर से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। युवा इंजीनियर मुदस्सिर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से ताल्लुक रखते हैं। इंजीनियरिंग के बाद विदेश में नौकरी भी मिली, लेकिन इरादा कुछ और ही था। नौकरी ठुकराई और प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया मिशन में अपना सहयोग देने के लिए एडवांस पावरलूम इंडस्ट्री की शुरुआत की। मुदस्सिर ने मजबूत इरादों के दम पर काफी कम समय में कामयाबी का रास्ता भी तय किया। गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को इतना फायदा मिला है इस चीज के अंदर, ये मशीन के अंदर फुल ऑटोमेटिक मशीन उन्होंने सरकार ने हम लोगों को अपग्रेड करके दिलवाई है और उससे बेनिफिट्स इतने सारे हैं। जैसे जो लेबर है उन लोगों की कॉस्टिंग वगैरह ज़्यादा बढ़ गई है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा है पैसों से। जो परेशान रहते थे इधर उधर घूमते फिरते रहते थे, आजकल रोजगार इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेबर वर्क भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, ऑटोमाइजेशन भी है। पहले ये पावर लूम हम चलाते थे, इसमें अधिकतर करके सामान और ये गर्मी का मौसम और ये सब दिक्कतें बहुत आती थी, मतलब कटले मारना, लोटा बैठे आना, ये सब दिक्कतें बहुत आती और सामान का मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा था। अब ये जो भारत सरकार ने मतलब ये जो ऑटोमेटिक मशीन निकाले इसमें बहुत अच्छा है, हमको बहुत आराम है। मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर कपड़ा निर्माण और उस पर कारीगरी के लिए मशहूर है। 70,000 से ज्यादा बुनकर और 35,000 से ज्यादा पावर लूम इस शहर की धड़कन है, लेकिन आधुनिकीकरण और बेहतर प्रशिक्षण के अभाव के चलते बुनकर और युवा कारीगर पिछड़ते जा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं ने लोगों के लिए विकास की एक नई राह खोली। स्टैंड अप योजना है जिसके अंतर्गत जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो प्रोजेक्ट कास्ट होती है उसका 25% अंशदान भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, जिसमें काफ़ी मशीनें यहाँ पे लग चुकी है, जिसमें जो मॉडर्नाइजेशन है आधुनिक मशीनों का ज़्यादा उपयोग हो रहा है, यहाँ पे मशीनें आ रही हैं और लगभग 2000 मशीनें अभी तक यहाँ पे लग चुकी हैं। आधुनिक मशीनों और कौशल विकास ने इस क्षेत्र के युवाओं को जहाँ तरक्की का रास्ता दिखाया है, वहीं पलायन की चुनौती से निपटने की राह भी सुझाई है।